कांग्रेस पार्टी की महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी ने लखनऊ में रोड शो करके चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया। लेकिन इस पूरी रैली में राहुल गांधी लाइमलाइट में रहे और प्रियंका गांधी उनका साथ देती दिखी। हालांकि इस रैली को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे राहुल गांधी को ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन प्रोजेक्ट किया गया हो, क्योंकि रैली के दौरान प्रियंका गांधी बैकफुट पर और राहुल गांधी फ्रंट फुट पर लीड करते दिखे। तो क्या चुनाव से ठीक पहले प्रियंका का इसमें इस्तेमाल सिर्फ मुंह दिखाई तक ही सीमित रखा गया है? इस रोड शो का मीडिया और राजनीतिक विश्लेषक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस के इस रोड शो में भीड़ भी दिखाई दी, लेकिन यह शंका बनी रही कि इसमें कितने कांग्रेस के वोटर हैं और कितने प्रियंका की झलक देखने वाले महज तमाशबीन। लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यूपी में कांग्रेस की शुरुआत हुई और यहां कांग्रेस कमजोर नहीं रह सकती है, और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ही उन्होंने प्रियंका और ज्योतिरादित्य को यहां भेजा है। इन दोनों नेताओं की जिम्मेदारी है प्रदेश में पार्टी को खड़ा करना। लेकिन अगली ही लाइन में राहुल ने प्रियंका को मैदान में उतारने की रणनीति बता डाली। राहुल ने कहा कि जरूर हमारे सामने लोकसभा चुनाव है, इसमें बेहतर प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार बननी चाहिए। यानी राहुल गांधी का प्रियंका के लिए असली टारगेट लोकसभा नहीं 2022 विधानसभा चुनाव है। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है, मगर हमने इन दो लोगों को क्यों भेजा मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी की शुरुआत हुई थी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर नहीं रह सकती है, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को खड़े करने का काम मैंने प्रियंका जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दिया है। जरूर हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, मगर मैंने इनको कहा है लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस होना चाहिए, मगर असेंबली चुनाव में कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बननी पड़ेगी। ये देखिए, ये आप दोनों की जिम्मेदारी है, ये आप दोनों की जिम्मेदारी है। हालांकि राहुल गांधी के इस बयानबाजी के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। अगर प्रियंका गांधी को 2022 विधानसभा चुनाव की ही जिम्मेदारी देनी थी तो फिर 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक दो महीने पहले उन्हें मैदान में उतारने का क्या मतलब बनता है? तो क्या प्रियंका गांधी को 2019 लोकसभा चुनाव से पहले महज एक शोपीस के तौर पर उतारा गया है?